एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ चांदनी चौक शॉपिंग करने। तो चलिए चलते हैं। क्या करना है? हाँ, चलोगे घूमने? घूमने नहीं, शॉपिंग करने चलोगे? और ये इस कार से शॉपिंग करवाओगे मुझे? किसने दिया है? लेकिन ये तो मेट्रो का कार्ड है बेटा। मेट्रो कार्ड से शॉपिंग करवाओगे मम्मा को? लोगों का। हाँ चलो चलो, आज पापा आ रहे बेटा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम चांदनी चौक मार्केट पहुंच गए हैं और अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो चलिए चलते हैं। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही चांदनी चौक का मार्केट शुरू हो जाता है। तो अगर आप चांदनी चौक आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी को किसी भी मेट्रो स्टेशन पर पार्क करिए और मेट्रो से ही आइए, बहुत ईजिली पहुँच जाएंगे। अब हम पहुँच गए हैं चांदनी चौक के मेन मार्केट में और ये जो रोड है ये आपको लाल किला तक ले जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से लाल किला भी जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बाकी शॉप दिखाती हूँ। चांदनी चौक लहंगे के लिए काफ़ी फेमस है। तो अगर आपको लहंगा लेना हो, ब्राइडल लहंगा, गर्लिस लहंगा या फिर पार्टी वेयर, तो यहाँ बहुत ही अच्छा और रिजनेबल रेट में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ब्राइडल लहंगा काफ़ी खूबसूरत था। लहंगे के अलावा साड़ी, ज्वेलरी, ये सब भी चांदनी चौक में बहुत ही अच्छे रेट पे मिल जाता है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लहंगे दिखाने वाली हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस शॉप पे भी लहंगे की कलेक्शन, साड़ी की कलेक्शन काफ़ी अच्छा था और रिजनेबल रेट पर था। ये तीनों लहंगे मुझे बहुत अच्छे लगे। इस शॉप पे भी बहुत ही खूबसूरत लहंगे थे, बट यहाँ पे वीडियो बनाने से या फिर फ़ोटो लेने से ये लोग मना कर रहे थे। तो मैंने बाहर जो डमी थी, मैंने उन्हीं का वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए। इस लहंगे का कलर बहुत प्यारा था और डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है और रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 10-12 के रेंज में ही था। तो ये लहंगा मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चारों लहंगे भी बहुत सुंदर थे, इनका कलर, डिज़ाइन सब कुछ बहुत सुंदर था। जैसे ये पिंक कलर का फ्लावर वाला लहंगा, ग्रीन कलर का लहंगा, बहुत ही सुंदर थे ये चारों लहंगे। और इस शॉप के साड़ियाँ भी काफ़ी सुंदर थी, बट इनका रेट थोड़ा सा हाई था। ये सारे शॉप आपको चांदनी चौक के मेन रोड पे मिल जाएंगे और शायद इसलिए इनका रेट थोड़ा सा हाई रहता है। इस शॉप पे भी लहंगे का कलेक्शन बहुत ही अच्छा था, ब्राइडल लहंगा, गर्लिश लहंगा, हर तरह का लहंगा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने जो लहंगा है बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, बहुत सुंदर कलर। इस शॉप पे आपको ब्राइडल और गर्लिश दोनों लहंगे का बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन मिल जाएगा। और ये सारे शॉप चांदनी चौक के मेन रोड पे हैं। चांदनी चौक में चूड़ी चूड़ा भी बहुत ही अच्छे रेट पे मिलता है। जैसे इस शॉप में 100 रुपीज़ में 4 पीस कंगन मिल रहा था, मैंने लिया नहीं, बट मैं आपको बता देती हूँ, आपको अगर लेना हो तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। यहाँ पे चूड़े की स्टार्टिंग प्राइस 250 रुपये है और ऊपर आप जितना रेंज का ले सकें उतना का मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ईयर रिंग्स बहुत सुंदर सुंदर मिल जाएंगे, 100, 150, 250 इस रेट में, और बहुत सुंदर कलेक्शन इनके पास भी है। इस शॉप पे भी लहंगे का बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन था और इनकी स्टार्टिंग प्राइस 2000 रुपये थी। तो इस शॉप के हम अंदर आए हैं देखने के लिए, बट इन्होंने वीडियो बनाने या फ़ोटो लेने से मना कर दिया है। फिर भी मैं थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मुझे आपको भी दिखाना है। इस शॉप पे भी नेट, सिल्क, ब्राइडल, गर्लिश, हर तरह के लहंगे का बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन था। जैसे कि ये ग्रीन कलर का लहंगा बहुत सुंदर लग रहा था, इसका कलर बहुत सुंदर था, यह नेट पे था, ये भी बहुत सुंदर लहंगा था।
और इन सब का रेट 5,000 से 6,000 था। और ये येलो वाला लहंगा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, ये थोड़ा सा कॉस्टली था, आई थिंक 8,000 के रेंज में था, बहुत सुंदर लहंगा था। नीचे पिंक कलर का है, एक पिंक कलर का नीचे लगा हुआ है, पिंक कलर का लहंगा लगा हुआ है, दीवार की साइड है, फ्लावर्स वाले ये वाला डिजाइन दिखा रहा है, बस सिलाई लगा है, ठीक है, इसमें सिलाई है, देखो हल्का सा लूंगी तो सही चलने में भाव है। अफगानी स्वेटर तो बता देना ठीक आएगा, और दुपट्टा दो ही लटकन लटकन लगता है। चलो यार, आपको कटिया बनाना दिख रहा है ना इनको, ऊपर 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 बाद में वॉइस ओवर करते हैं। नहीं, तो अभी हम घर वापस आ गए हैं और वहाँ से मैंने क्या शॉपिंग किया ये मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मेरे भाई की शादी है मई में और मुझे उसमें पहनना है, तो अभी मैं दिखा दूंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा पहनने में। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड में कर देती हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ खाना बनाने, हम काफ़ी थक गए हैं। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।